यूपी के उन्नाव में टॉर्च जलाकर मरीजों की आंख का किया गया ऑपरेशन। उन्नाव जनपद के नवाबगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राइवेट एनजीओ ओम जगदम्बा सेवा समिति ने 35 मोतियाबिंद के ऑपरेशन टॉर्च की रोशनी कर डाले थे, जिसको लेकर मामले में कार्रवाई तेज हो गई है। इस मामले में उन्नाव डीएम के आदेश पर एसडीएम हसनगंज नवाबगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुँच गए और जाँच में जुट गए। इस पूरे मामले में एसडीएम ने बताया कि लापरवाही हुई है, सर्जिकल ऑपरेशन भी हुए हैं, इसकी जांच चल रही है और जांच होने के बाद रिपोर्ट जिला अधिकारी कार्यालय भेज दिए जाएंगे और इस मामले में कौन जिम्मेदार है यह कहना अभी मुश्किल है। जांच होने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। पेश है उन्नाव के संवाददाता सहबान मलिक की खास रिपोर्ट। हाँ, हमारे उन्नाव जनपद में उन्नाव डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट मेल हॉस्पिटल, सीएससी पुरवा और सीएससी हसनगंज आईओ सेंटर है, जहाँ पर ऑप्थल्मिक सर्जन पोस्टर्ड है, माइक्रोस्कोप व अन्य उपकरण है जो ऑपरेशन के लिए आवश्यक होते हैं। सीएससी नवाबगंज में आईओ सेंटर नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई ऑप्थल्मिक सर्जन नहीं है और बाकी उपकरण भी नहीं है। इसलिए यहाँ क्यों मान्यता दी गई है, किस स्तर से मान्यता दी गई है, ये जाँच के विषय है। इसमें जाँच करके इसको निर्णय लिया जाएगा और आगे की कार्रवाई के लिए संस्तुति। सर, ये तो एक बड़ी चूक है, और किस तरह की कार्रवाई आप करने के लिए तैयार हो रहे हैं? शासन को इसकी रिपोर्ट सौंपी जाएगी और जो भी निर्णय होगा शासन लेगा। सर, जिले में कितने आयुर्वेद सेंटर हैं? जिले में हमारे जिला अस्पताल को मिलाकर के 3 आयुर्वेद सेंटर हैं, पेरीफेरी में 2, सीएससी पुरवा और सीएससी हसनगंज। बाकी नवाबगंज जहाँ पर किए ऑपरेशन हुए, जहाँ के यह प्रकरण है, वहाँ प्रकरण हुआ है, इसकी जाँच मेरे द्वारा और जो संबंधित सदस्य है चिकित्सा विभाग के उनके द्वारा की जा रही है। और इसमें अभी धीरे धीरे कुछ कुछ तथ्य सामने आए हैं, किस स्तर पे लापरवाही हुई है और इसमें क्यों यहाँ पे इस प्रकार की घटना की हुई, क्यों इस प्रकार के सर्जिकल ऑपरेशंस किए गए, इसकी पूरी रिपोर्ट जो है अभी हमारे द्वारा बनाई जा रही है और इसको डीएम महोदय के कार्यालय में इसको भेजा जाएगा। इस स्तर पर अभी हम इसकी एग्जैक्ट आपको नहीं सूचना दे सकते कि कौन कौन इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि ये जांच अभी वर्तमान में चल रही है, जांच का विषय है। जैसे ही जांच पूरी हो जाएगी आपको सूचना दी जाएगी। जो आप पुराना प्रकरण बता रहे हैं उसकी अभी कोई जांच हमारे द्वारा नहीं की जा रही थी सर, तो वो भी तथ्य सामने आ जाएंगे। हो सकता है अगर इसी एनजीओ के द्वारा किया गया है और यही टीम थी तो उन पेशेंट्स का जब फॉलोअप किया जाएगा, क्योंकि उनका पेशेंट्स का रिकॉर्ड मेंटेन होगा, तो उनका फॉलोअप हम लोग अगर करेंगे करवाएंगे उसको, उससे जानकारी हो जाएगी कि क्या ऐसा वास्तविक स्थिति। क्या जानकारी हुई जिन लोगों के ऑपरेशन किए गए थे? अब ये चीज तो वही बता सकते डॉक्टर लोग, अब हम तो ऊपर हैं, हम क्या बता सकते हैं। तो यहाँ जब भी ऑपरेशन होते हैं आपके राति में होते हैं? हाँ हाँ, राति में होते हैं। राति में होते हैं, तो जब ओटी रात में नहीं खुला रहती तो कैसे ऑपरेशन किए जाते? कल जब यहाँ ऑपरेशन हुआ तो ऑपरेशन के बाद ये कमरा कितनी देर बाद खाली कराया गया? अब ये चीज तो हम तो चले गए थे, उसके बाद 1 घंटे के बाद खाली हुआ कि 2 घंटा खाली हुआ, ये कोई अफरा तफरी मची थी क्या यहाँ ऑपरेशन को लेके? भाई हमको ये चीज मालूम, हम तो चले गए। यहाँ के सारे मरीज कहाँ चले?